अगर आप भी इंस्टाग्राम ऐप यूज करते हो और इंस्टाग्राम में आप रील्स वीडियो बनाना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इंस्टाग्राम पर प्रोफेशनल रील्स वीडियो बना सकते हो। रील्स वीडियो बनाने में जितने भी फीचर्स दी गई हैं उन सभी का आप कैसे यूज कर सकते हो या फिर उन सभी का क्या यूज है, वो सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो बना सकते हो। सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम ऐप ओपन करना है। इंस्टाग्राम ऐप ओपन करने के बाद यहाँ रील्स पे क्लिक कर लेना। रील्स पे क्लिक करने के बाद अगर आपको ये जो रील्स वीडियो चल रही है इसका सॉन्ग अगर पसंद आ जाता है और इसी सॉन्ग को आप यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है चल रहा है इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये यूज़ ऑडियो पे क्लिक करना है। यूज़ ऑडियो पे क्लिक करने के बाद मैं न्यू स्टार्ट करना चाहता हूँ। यूज़ ऑडियो पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको सामने आ जाएगा और यहाँ आप इस पे क्लिक करके रील्स को स्टार्ट कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। या फिर अगर आप सॉन्ग दूसरे तरीके से भी लेना चाहो तो ले सकते हो। जैसे कि इससे मैं बाहर आ जाता हूँ और यहाँ कैमरे पे क्लिक करता हूँ और यहाँ ऑडियो पे क्लिक करके आप यहाँ से सॉन्ग ले सकते हो। जो भी आप सॉन्ग लेना चाहते हो, जो भी इंस्टाग्राम में जितने भी सॉन्ग दिए गए हैं उन सभी सॉन्ग में से कोई भी सॉन्ग आप यहाँ पे से ले सकते हो। और ये देख सकते हैं लोड हो चुका है हमारा यहाँ से सॉन्ग। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स जो है वो मिलते हैं, वो उन सभी चीज़ों के बारे में भी आपको बता देता हूँ। यहाँ जो 15 लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो ये 30 सेकंड हो जाएगा, फिर इस पर क्लिक करेंगे तो 60 सेकंड हो जाएगा। तो आप इसमें कितने सेकंड की वीडियो बनाना चाहते हो वो सेट करना। तो मैं यहाँ पे 15 सेकंड की बनाना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ 1x जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3x 5x 1x 2x 3x। सो यह है वीडियो को कम या ज़्यादा स्पीड में बनाने के लिए। अगर आप कम स्पीड में बनाना चाहते हो तो 1x, और अगर आप वीडियो को फास्ट करके बनाना चाहते हो तो आपको 5x कर लेना। सो इसका आप स्पीड कम या ज़्यादा करके वीडियो बनाने में इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद ये जो आइकन दिख रहा है ये इफेक्ट का आइकन है। इस पर क्लिक करने के बाद आप बहुत सारे यहाँ पर आपको इफेक्ट्स मिलता है। सो इफेक्ट्स को आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरह से, देख सकते हो। और ट्रेंडिंग में जाता हूँ और ये वाली इफेक्ट मैं ले लेता हूँ। मैं ज़्यादातर ये वाली यूज़ करता हूँ। सो इफेक्ट ले सकते हो यहाँ से आप। इस पर ये जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने वीडियो की फेस की जो है वो ब्यूटी को बढ़ा सकते हो। सो ये ब्यूटी के काम आता है। और ये जो प्लस का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप अपने गैलरी की वीडियो को यहाँ से अपलोड कर सकते हो, लेकिन हम गैलरी की वीडियो अपलोड नहीं करने वाले हैं। और ये आइकन जो दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप कैमरे को बैक और फ्रंट कर सकते हो। और एक और तरीका है कैमरे को बैक और फ्रंट करने का। इस पर डबल टैप करेंगे कैमरा बैक हो जाएगा, फिर डबल टैप करेंगे कैमरा फ्रंट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से वीडियो शूट कर लेनी है। सो इस पर क्लिक करना है और वीडियो को आपको शूट कर लेनी है। जो भी आपकी वीडियो है, जो भी आपने सॉन्ग सिलेक्ट किया है, जो भी आपने डायलॉग सिलेक्ट किया है, उस पर आपको सही तरीके से लिप मिस्टिंग करके प्रोफेशनल तरीके से वीडियो को बना लेनी है। सो वीडियो बनने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। डाउनलोड का है, इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो का सॉन्ग को कम या ज़्यादा कर सकते हो वॉल्यूम को। और ये जो रिकॉर्डिंग का आइकन है इस पर क्लिक करके आप वॉइस ओवर कर सकते हो अपनी वीडियो में। और ये फिर से इफेक्ट्स का है और ये है इमोजी का। इस पर आप कोई भी इमोजी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल ये वाली इमोजी लगानी है तो ये वाली इमोजी लगा सकते हो आप। यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो, ये जो डबल ए लिखा हुआ है इस पर क्लिक करने के बाद। तो इस पर टेक्स्ट लिख सकते हो और कुछ इस तरह से यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ टिक के आइकन पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है शेयर करने का, जो रील्स अपलोड करने का ऑप्शन होता है वो आ चुका है। मैं सबसे पहले यहाँ कवर फोटो सिलेक्ट करता हूँ। कवर फोटो आप यहाँ से रख सकते हो कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइटल डाल देना, जो भी आप अपने वीडियो का टाइटल डालना चाहते हो। माय न्यू रील्स वीडियो में डाल देता हूँ। उसके बाद आपको हैशटैग लगाना है। हैशटैग लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो आपको हैशटैग लगाना है। हैशटैग लगाने के लिए आपको यहाँ पे हैज लिखना है और यहाँ पे लिख देना है रील्स, न्यू रील्स वीडियो, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको 8 से 10 हैशटैग लगा लेनी है। अगर आपकी वीडियो कॉमेडी है तो हैशटैग कॉमेडी, हैशटैग फन, इस तरह से आपको हैशटैग लगाने हैं। हैशटैग फनी, इसी तरह से आपको हैशटैग लगा लेने हैं फनी वीडियो। सो इस तरह से आपको कम से कम 8 से 10 हैशटैग लगा लेनी है, बढ़िया बढ़िया हैशटैग जो भी आपके वीडियो से रिलेटेड हो। उसके बाद आपको यहाँ पे शेयर का एक आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको।
ऑल्सो शेयर टू फीड, ये क्या है, इसको अगर आप ऑफ कर देंगे तो जो आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल में जाते हैं और वहाँ पे जो फोटोज़ होती है उसके सेक्शन में जो रील्स वीडियो दिखता रहता है वो यहाँ से नहीं दिखेगा। अगर इसको ऑन कर देंगे तो वहाँ पे रील्स वीडियो भी दिखेगा जहाँ पे फ़ोटो दिखता है, और रील्स का तो अलग ही सेक्शन होता है, वो तो होता ही है, लेकिन जहाँ पे फ़ोटो दिखता है वहाँ पे भी रील्स वीडियो दिखता रहता है अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो। मैं ऑन रहने देता हूँ, उसके बाद यहाँ शेयर पर क्लिक करता हूँ। शेयर पर क्लिक करने के बाद वीडियो जो है वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। सो अभी हम वेट कर लेते हैं इस वीडियो को अपलोड होने का। सो देख सकते हैं हमारी वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी है और ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। मैंने जो फ़िल्टर लगाया था वो फ़िल्टर, और ये रील्स वीडियो मैंने लिखा था और हैशटैग लगाया था, ये मैंने इफेक्ट यूज किया, ये सारी चीज़ें लिखी थी, वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। सो आपको इस तरह से रील्स वीडियो को बना लेनी है अच्छे से, अच्छे सॉन्ग पे और अच्छे से लिप मिस्टिंग करके आपको वीडियो बनानी है, और इफ़ेक्ट्स का यूज़ ज़रूर से करना है ताकि आपकी वीडियो जो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखने लगे। सो इसी तरह से आप इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो को बना सकते हो।